आ जाओ बेटा, देखो मैं आप सबके लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आई हूँ। देखो मैंने कितनी अच्छी ड्रेस भी ली है आपके लिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने सबसे महंगी वाली दुकान से इसे खरीदा है, ये आप कल पार्टी में जरूर से पहन लेना। अगर नहीं पसंद आई तो और भी मेरे पास ड्रेसेस है, वो देख लो, आप इनमें से कोई देख लो। मैं सबके लिए लाई हूँ, जो आपको पसंद है आप वही हो ना, आपको जो पसंद है आप वो रख लो, मैं बाकी को दूसरी वाली दे दूंगी। देखो मैं सबके लिए लेकर आई हूँ, कितने सारी ड्रेसेस लेकर आई हूँ, बहुत बहुत सुंदर सुंदर है, मैंने सबसे महंगी वाली दुकान से खरीदे हैं। देखो देखो ना बेटा, कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, ढेरों लाई हूँ मैं सबके लिए लाई हूँ। देखो ना बेटा, ये देखो कितना सुंदर है, इसका रंग देखो ना बच्चा, कितना प्यारा है, आपको पसंद है ना ये? देखो देखो, जो आपको पसंद है वो ले लो, बाकी जो बचेंगे वो मैं छोटी बहनों को दे दूंगी तुम्हारी, पर आप पहले पसंद कर लो। देखो एक और भी रंग है इसमें, ये देखो ये भी बहुत खूबसूरत है। सच्ची बात बताऊं, सबसे महंगी ड्रेस तो ये वाली है, आप यही वाली ले लो। देखो और हाँ, मैं पार्टी के लिए भी लेकर आई हूँ, ये देखो उसके लिए एक जैकेट लाई हूँ मैं, अच्छी है ना बेटा, अच्छी है ना? मुझे पता था आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मम्मी आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं इस तरह की ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, ये मेरे टेस्ट की नहीं है। वो कोई बात नहीं आंटी, आप लाए हो तो कोई बात नहीं आंटी, मैं पहन लूंगी कभी ना कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। कौन से मॉल से लिए हो आप? एक्चुअली आंटी मैं पूरी ब्रांडेड पहनती हूँ ना, एनीवेज ठीक है चल जाएगा, कोई बात नहीं आंटी, आप रहने दो ये सारे ड्रेसेस, एक्चुअली एक ही मैं रखूंगी आंटी, बाकी आप ले जाओ, मेरी सिस्टर भी पहन लेगी, कोई बात नहीं आंटी, आप माइंड मत करो, एक्चुअली आप नहीं समझो आंटी, डोंट माइंड। क्या हुआ बेटा, कोई भी अच्छी नहीं लगी? पर मैंने तो सबसे अच्छी अच्छी ही ड्रेसेस चुन के लाई थी, आपको क्यों पसंद नहीं आई? देखो ना कितने सुंदर है इसका दुपट्टा, देखो कितना अच्छा है बेटा, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छी दुकान से लाई हूँ बेटा, देखो ना कितना तो अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, क्यों नहीं अच्छी लगी आपको? रख देती हूँ वापस, दुकान में जाके वापस कर दूंगी, नहीं पसंद आई तो फिर क्या फायदा, रहने तो, कोई बात नहीं बेटा। सच्ची बात तो ये है कि आजकल के बच्चों की पसंद हम बूढ़ों को पता ही नहीं चलती है, कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद की ले लेना, मैं जाऊंगी ना तो आपको अपनी पसंद की दिला दूंगी, ठीक है बेटा? ये मैं रख देती हूँ, मुझे लगता है वाकई में ये आपके लायक नहीं है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनको रख लेती हूँ, मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी, ठीक है ना बेटा? बंटी को भी शायद नहीं पसंद आएगी, ये भी मैं रखी लेती हूँ, कोई बात नहीं बेटा। एक आइडिया आया है फ्रेंड्स, अब मैं इस गिफ्ट को अच्छे से पैक करने वाली हूँ, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा कर। एक्चुअली आंटी हमारे लिए हर बार ही बहुत अच्छे अच्छे महंगे से महंगे अच्छी से अच्छी शॉप से गिफ्ट्स लेकर आती है। हम जानते हैं कि हमारी आंटी ने हमारे लिए कितने मन से चीज़ें ली हैं, पर हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग देने के तरीके से ही गिफ्ट का दाम का अंदाज़ा लगाने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि आज मैंने अपनी आंटी के साथ थोड़ी गलत तरीके से बात की, वो इसलिए क्योंकि आंटी को अगर हम इस तरह से नहीं बताएंगे तो वो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि इतना खर्चा करने के बाद भी अगर किसी को हम कुछ देते हैं तो वो उसकी कदर नहीं करता है, इसीलिए देने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। आंटी को अगर हम प्यार से समझाते तो आंटी उस चीज़ को हंस के टालती, इसीलिए मैंने थोड़ा इस तरह से आंटी के साथ बिहेव किया ताकि आंटी को उस चीज़ का एहसास हो कि मैंने इनके लिए शायद मैंने इनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं ली, जबकि वो बहुत अच्छी है और बहुत ही कीमती है। तो इसीलिए मैं आज इसको अच्छे से पैक करके आंटी को मैं डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि देखिए जो चीज़ आप हमारे लिए लाए हो वो है बहुत महंगी, पर उसको कोई कदर नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को इतनी अच्छे से पैक करूँगी
और दिखाऊंगी आपको कि वो देने में जितना उसका रेट है उससे भी डबल लगने लगता है अगर आप उसको बहुत ही खूबसूरती से पैक करते हो। तो सबसे पहले मैंने उसी ड्रेस को जो आंटी हमारे लिए लेकर आई हैं उसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है और उसमें थोड़े से डाल दिए हैं थर्मोकोल बॉल्स और उसके बाद मैं सेलोफिन पेपर के साथ इसको अच्छे से रैप कर दूंगी। सारी ड्रेसेस में मैंने सेलोफिन पेपर तो लगा ली, अब चाहो तो ऐसे भी गिफ्ट कर सकते हो, पर क्यों ना इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। तो चलिए इसे थोड़ा सा और सजा लेते हैं। अब इस पैक किए हुए गिफ्ट में मैं रिबन चिपकाऊंगी, तो रिबन मैंने नाप कर काट लिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा लंबा, उतना ही लंबा कट किया है कि पीछे थोड़ा सा आ करके, पूरा पीछे मैंने कवर नहीं करना है, इतना भी वेस्टेज ठीक नहीं है, तो पीछे जितनी ज़रूरत है आगे से कवर हो जाए उतना मैंने रिबन लंबा काट लिया था। ये इस साइड में लंबाई की ओर लगा दूंगी और ये चौड़ाई की साइड में लगा दूंगी। तो इसको भी मैं सेलो टेप की हेल्प से यहाँ पे चिपका दूंगी। गिफ्ट पैक करने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ वो बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। किसी भी एक शॉप में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ अपनी पसंद की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक जो मैंने रिबन इस्तेमाल किया है और इसे चिपकाने के लिए सेलो टेप या फिर सेलोफिन पेपर, थर्मोकोल बॉल्स, सब कुछ आपको एक ही शॉप में मिल जाएगी। एक बार आप ला के रख लोगे तो वो बहुत बार काम आ जाता है। और फ्रेंड्स, रिबन लगाने के बाद हमें लगाना है एक फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने रिबन के 3 पीसेस कट किए हैं एक ही साइज़ के। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा, अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना है तो थोड़े रिबन का साइज़ बड़ा रखिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ 10 इंच का कट किया है, उसके बाद उन्हें इस तरह से पकड़ कर उसमें स्टेपल मार दिया है। आप चाहो तो ग्लू के साथ भी इसे चिपका सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कर दिया है और उसके बाद उसमें जो स्टेपल का पिन है वो नज़र ना आए इसीलिए हमने इस तरह से यहाँ पर छोटा सा रिबन भी लगा लेना है। इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और जा करके जो रिबन हमने उस गिफ्ट के ऊपर लगाया है वहाँ पर जाकर इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। और इसी तरह से हमने बाकी सारे गिफ्ट्स को भी पैक कर देना है। शॉपिंग करने में आपको भले ही 2 से 3 दिन लगे हों, पर गिफ्ट पैक करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही लगेंगे। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मैंने आपके साथ कल बदतमीजी की। एक्चुअली आंटी, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर किसी को गिफ्ट देना है कोई भी चीज़, तो उसे इस तरह से प्रेजेंट करें कि लेने वाला भी खुश हो जाए। ये देखिए, यहाँ इस तरह से अगर आप किसी को गिफ्ट करोगे तो लेने वाला बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई अगर खाक की भी चीज है तो वो लाख की लगने लगती है। मुझे पता है आंटी कि आपने बहुत ही महंगी दुकान से इसे मेरे लिए खरीदा था, पर सिर्फ मैं इसलिए आपके साथ ऐसा ट्रीट किया कल मैंने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि चीज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने रात को चुपके से पैक किया और अब यही वाला गिफ्ट देखिए कितना कीमती लग रहा है ना आंटी। ये आपने गिफ्ट मुझे दिया और मैंने बहुत खुश होकर ये गिफ्ट लिया। ये आई लाइक दिस गिफ्ट, थैंक यू आंटी। ये देखिए आंटी, सारे के सारे ही गिफ्ट्स मैंने पैक कर दिए हैं। अब आप सबको यही वाले गिफ्ट्स देना और देखना सब खुशी से किस तरह से उछल जाएंगे। इनको पैक करना भी बहुत आसान है आंटी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी कि इन्हें कैसे पैक करना है। अरे वाह, ये सारे गिफ्ट तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब मैं ही लेकर आई हूँ। बेटा, मुझे आपकी बात हमेशा याद रहेगी। थैंक यू बेटा, आपने मुझे इतनी अच्छी बात समझाई। कभी कभी हम बड़े भी छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं। अब अगली बार से है ना, मैं जब भी किसी को गिफ्ट दूंगी इस तरह से ही सजा कर दूंगी। इसमें मेहनत भी नहीं है, आपने मुझे सिखा ही दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। आपको देखकर मैं भी थोड़ी थोड़ी स्मार्ट हो गई हूँ। तो
फ्रेंड्स, जब आप अगली बार किसी के लिए गिफ्ट लोगे तो इसी तरह खूबसूरती से पैक करके दें ताकि वो उसे आम न समझे और खास समझकर उसकी कदर करे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जिनसे आप प्यार करते हो। कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।